हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है काफ़ी, और कंपटीशन में भी आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश का बेस जो है स्टूडेंट्स वो हाई स्कूल इंटर ही है, क्योंकि उसमें ग्रामर हमको पढ़ने को सीखने को मिलती है। अगर आपको आर्टिकल्स आते हैं फिर भी आप इनको इस चीज़ को देखिए, हो सकता है आपको नई चीज़ें मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हमें आती है कि कोई टीचर बताता है या कोई भी बात बताता है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है उसकी बात। ये नहीं कि हमको आता है सर, हम हो सकता है कोई वो कोई नई बात बता दे, ठीक है। तो हम एक आर्टिकल देखेंगे। आपको मालूम है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का आर्टिकल होता है दा जो निश्चित चीज़ों के लगता है। कोई भी निश्चित चीज़ है, कोई भी वस्तु, कोई भी नाउन जो निश्चित है उससे पहले हम द लगाएंगे, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल होता है आपका ए और एन, अनिश्चित। ए और एन अनिश्चित है का मतलब कि ये इससे चीजें कंफर्म नहीं होती हैं। देखिए, जैसे आई हैव ए मैंगो, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। और आर्टिकल से रिलेटेड जो बच्चे सीखना चाहें उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए, आई हैव ए मैंगो, मेरे पास एक आम है। अब ए मैंगो से हमको अनिश्चित चीज का पता चल रहा है, मतलब आम कितना बड़ा है, कैसा है, हरा है, पीला है, कुछ आइडिया नहीं मिला। तो एक अनिश्चित चीज का पता और संख्या का पता कि आपके पास एक है। कोई भी वस्तु है, अगर संख्या में एक है तो उससे पहले ए लगेगा या एन लगेगा। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसे नहीं आएगा, आई हैव मैंगो, आई सॉ मैन, ये सेंटेंस दोनों गलत है। ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि अगर संख्या में कोई भी चीज एक है तो या तो आप ए लगाएंगे और या तो आप एन लगाएंगे। ए लगाएंगे आप कंसोनेंट के साथ, अब सही वाक्य हुआ, ठीक है। संख्या में एक होने पर आप ए का प्रयोग करेंगे। और देखिए, हमने बताया था इनडेफिनिट आर्टिकल, चलिए इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल हैं जो चीज़ों को, जिसके बारे में चीज़ें अनिश्चित होती हैं हमको ज्ञान होता है, पहली बार ज्ञान होता है। चलिए और कुछ आगे देखेंगे। डिफरेंट आर्टिकल है द, इनडिफरेंट आर्टिकल है ए और एन। अब ए और एन हमने बताया आपको कि संख्या के लिए प्रयोग होते हैं और अनिश्चित चीजों के लिए, और इसका हम और आगे प्रयोग देखेंगे। देखिए बच्चों, ए कहां पे लगाएंगे और एन कहां पे लगाएंगे, जिनको मालूम है वो फिर भी देख ले, कोई भी चीज हमने बताया मालूम होगी फिर भी हम ध्यान से देखेंगे। ए वहां लगाएंगे जो आपके कंसोनेंट और एन वहां लगाएंगे जो आपके वॉवल्स हैं, वो अक्षर जो जैसे कंसोनेंट से शुरू है, वाई है, वाई आपका कंसोनेंट है, इसको कहते हैं व्यंजन। कंसोनेंट को बोलते हैं व्यंजन, वॉवल को बोलते हैं स्वर। स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोली जाती हैं, या स्वर वो अक्षर हैं जो ए ई आई ओ यू, पांच आपके वॉवल है, ठीक है, हिंदी में छोटा आ से लेकर आ तक, और इंग्लिश में ए आई आई ओ यू। ये ध्वनियां वो हैं जो हमको प्रकृति ने दी है, जन्म से दी है, जन्म से ये स्वर दिए हैं। ए छोटा बच्चा रोता ए ई आई ओ है, तो वो दो महीने का या दो दिन का बच्चा जो बिल्कुल बोलना नहीं आता लेकिन वो स्वर बोलता है, ठीक है। तो ये वे ध्वनियां जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोली जाती हैं उनको कहते हैं हम स्वर, ठीक है। और व्यंजन जो दो अक्षरों के मिलाने से बोली जाती है, जो दो वर्णों के मिलन से बोली जाती है। बी में कितने अक्षर हैं? बा प्लस ई, तो इसको आ जाएगा बी। कंसोनेंट आपके कितने हो जाएंगे? 21। हाँ देखिए, ए है, ए सिंगल वर्ण है, बोलने में हमको किसी और अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ रही है, और प्रकृति प्रदत्त स्वर है। बी में दो अक्षर, सी में कितने हैं? दो। डी में कितने हैं? दो। तो आपने स्टूडेंट सीख लिया कि जो ना, जैसे अब आया टेबल लिखना है, टेबल से पहले हम एन लिखें कि ए लिखें? टेबल, टी क्या है? टी शब्द क्या है? टी शब्द है आपका
कॉन्सोनेंट तो आप ए टेबल लिखेंगे, ठीक है। जो अच्छा एग है, एग 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 से पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। जो नाउन इन वॉवल से शुरू होता है उससे पहले आप लगाएंगे एन, सिंपल सी बात है। जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है यानी कि बी ले लीजिए, सी डी एफ एच जे के इस तरह से, ठीक है, इनसे शुरू होंगे। एच से शुरू हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो एच से हेन है, हेन है, हेन में लगेगा ए, ठीक। जो अच्छा जो वॉवल शुरू होंगे उनके साथ लगेगा एन। तो स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको ये चीजें पहले पता भी होंगी। स्वर व्यंजन, स्वर पांच होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई यू, जो इन स्वरों से शुरू होंगे शब्द उनके साथ आपको एन लगाना है, सिंपल सी बात है। और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनके साथ आपको ए लगाना है, ठीक है। बेसिक्स चीज हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को कोर्स में भी आती हैं और उनके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। कुछ हम चीजें हैं, आप जैसे देखें राम हैज बुक लिखा, बुक लिखा, ठीक, ए एन या द भरना है, राम के पास पुस्तक है, ठीक। तो राम के पास पुस्तक है, संख्या में एक है, तो एक संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, ए लगाए कि एन लगाए, बी क्या है, स्वर है कि कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, ए आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से स्वर से शुरू होने वाले, सीधी सी बात, स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आप एन का प्रयोग करेंगे, जितने शब्द स्वर से शुरू होते हैं, ठीक है, उच्चारण स्वर के उच्चारण से। और जैसे ए हमने बताया आपको, फिर से बता देते हैं, बार बार बताते हैं स्टूडेंट्स, आई ओ यू, इसीलिए हम चीजें कोई भी हम बात दो दो तीन तीन बार बोलते हैं आपको रिवीजन, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवेल, जो इंग्लिश का नाउन इन पांच वॉवेल से शुरू होगा उसके साथ आप एन लगाएंगे, बाकी आपके जितने बचे इक्कीस आपको होंगे कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट आपके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 21 कॉन्सोनेंट अगर कोई नाउन इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपको ए लगाना है, बस इतनी सी सिंपल बात है, ठीक है। तो ये रूल्स थे कुछ, आपको रूल्स ये सब मालूम भी होंगे, हमने थोड़ा सा स्टूडेंट रिवाइज के लिए बता दिया। यूपी बोर्ड के बच्चे शुरुआत में बेसिक्स कमजोर रहती है उनके लिए। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात है, बात इसमें यह है कि हम ए और एन का प्रयोग उच्चारण के अनुसार करते हैं। देखिए उच्चारण उनका वॉवेल स्वर साउंड होना चाहिए, ए ई आई ओ यू जो है ये वॉवेल है इससे उच्चारण होना चाहिए। आप हिंदी में कह लीजिए छोटा से अह तक इन शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, इसी लिखा है ऑनेस्ट, ये लिखा है क्या है, ये होनेस्ट नहीं, ये लिखा है ऑनेस्ट, क्या लिखा है ऑनेस्ट। अब ये इसका किसका उच्चारण दे रहा है, ये उच्चारण दे रहा है वॉवेल का, अ वॉवेल है, वॉवेल का, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे, लिखा जरूर एच है लेकिन इसका उच्चारण क्या है ऑनेस्ट, अ साथ एन का प्रयोग होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये लिखा है यूनिवर्सिटी, ये शब्द बड़े बड़े कंपटीशन में आते हैं, यूनिवर्सिटी क्या लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये लिखा है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, तो यू यू आपका वॉवेल नहीं है, आ आ वॉवेल है, तो ये यू से शुरू हुआ तो आप इसके लगाएंगे ए लगाएंगे, ठीक है। यू का उच्चारण आ होना चाहिए, जहां पर यू का उच्चारण आ से शुरू हो तो वहां आपको एन लगाना है, ठीक है, जहां यू का उच्चारण आ से शुरू हो। चलिए कुछ और देखिए इसमें, जैसे इसमें दिया है, हमने बताया था स्टूडेंट आपको कि अम्ब्रेला, ये यू का उच्चारण यूम्ब्रेला नहीं है, यूम्ब्रेला नहीं है, ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। अब जब अम्ब्रेला इसमें दिया हुआ है आ से, आ दिया हुआ है तो आ के हिसाब से इसमें आएगा एन, यही ये यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी इंटर की कक्षाओं में या कंपटीशन में आ जाता है यूनिवर्सिटी लिखा है यूनिवर्सिटी, तो यू यू उच्चारण आया, यू अवेल नहीं आपका, आ आ आ से शुरू होना चाहिए, आ से लेकर बोलने में आ से लेकर आह तक जितने जो उच्चारण हो ई आई ओ, हाँ, तो इस तरह से आप यू से शुरू हुआ यू अवेल नहीं आ आ से,
आ से इसके साथ ही मिलाएंगे ए, इसका उच्चारण यू नहीं आ से होना चाहिए। इसी तरह है यूजफुल, यूजफुल ठीक है, तो यूजफुल के पहले आपको लगाना है यू, यू से नहीं, इसका जब यू का उच्चारण आ से हो, जब यू का उच्चारण आ हो तभी आपको एन लगाना है। इसमें यू यू यूजफुल लिखा है तो यूजफुल के साथ आपको आ लगाना है, क्योंकि इस ये लगाना है ठीक है। तो स्टूडेंट समझ आ रहा, समझ आ रहा होगा आपको, ये स्टूडेंट ने लिखा है, आपको देखे हुए शब्दों के अनुसार नहीं लगाना है, जो शब्द लिखा हुआ है उस आधार पर ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये एच से शुरू है लेकिन उच्चारण हो जाएगा एयर, उत्तराधिकारी, एयर उत्तराधिकारी। अब एयर के हिसाब से ए के, ये आपका जो है ए आया है, ये वॉवेल साउंड है, वॉवेल, तो वॉवेल के हिसाब से आप लगाएंगे एन ठीक है। ये शब्द हैं यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई, यू का उच्चारण आया है नहीं, जब यू का उच्चारण आ आए ठीक है तो ए यूनिक आ जाएगा, ए यूनिक हो जाएगा, ए यूनिक बुक ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, आप बेसिक चीजें हैं, आप कहीं इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इसको समझिए और लिख नोट करिए। चलिए अब जैसे एब्रीवेशंस होते हैं, जैसे एमएलए ठीक है, इससे पहले आपको ए लगाना है या एन, इसका है एम, एब्रीवेशन है इसमें एम का ए, ए के हिसाब से आप एन, ही इज एन एम पी, एन एमएलए ठीक है। एब्रीवेशन वर्ड वर्ड वर्ड्स में आपको एन का प्रयोग करना है, सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड ये ए डिनोट कर रहा है एमपी, इस तरह से एमपी, एमपी में भी आपको एन लगाना है ठीक है। एब्रीवेशन वाले वर्ड्स में आपको अगर उच्चारण उसका स्वर से होता है तो आपको एन लगाना है स्टूडेंट्स। और देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ए काउ इज यूजफुल एनिमल, ए काउ इज यूजफुल। अब ए काउ का मतलब है हमको इनडिफरेंट आर्टिकल स्टूडेंट्स होता है जिसके बारे में हमको कोई जानकारी ना हो ज्यादा ठीक है, केवल अनुमान हो, और द का प्रयोग होता है जो बिल्कुल निश्चित चीजें हो। अब ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल और द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ये दो सेंटेंस दिए हूं, ये दो सेंटेंस हैं, इनका अलग अलग है। इसमें ए काउ कहीं कोई गाय की बात, एक गायों की प्रजातियों में कहीं कोई एक विशेष गाय की बात कर कही जा रही है, तो एक गाय है जो जो उपयोगी जानवर है ठीक है, संख्या की भी बात की जा रही है। अब इस दकाऊ में ये दा लगने से ये पूरी गाय की बात कर रही है, यानी कि सारी गाय, इसमें कोई अनिश्चित गाय, इसमें सारी गाय, दा लगने से चीजें निश्चित जाती हैं और दा पूरी जाति को दिखाता है ठीक है। तो द काउ इज ए यूजफुल एनिमल हो जाएगा आपका, ये दा से निश्चित हो जाती चीज है। चलिए कुछ और हम पॉइंट्स देखेंगे, अब जैसे वेट है ठीक है, वेट को दिखाने के लिए और स्पीड को दिखाने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का ए एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे आई वॉट टोमैटो एक किलो, मेजरमेंट के लिए भी आप ए का प्रयोग करते हैं ठीक है। रुपी है ए डजन मैंगो, ए डजन मैंगो, ए डजन मैंगो ठीक है, इस डजन दर्शन दर्जन को दिखाने के लिए हमने प्रयोग किया ए का स्टूडेंट्स। इसी तरह से कुछ हम देखेंगे, अब जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे कुछ, जैसे व्हाट और हाउ वाले वाक्यों के साथ भी आपको ए या एन का प्रयोग करना है ठीक है। व्हाट ए, व्हाट इनके साथ लगाएगा, जो विस्मय वादी बोधक वाक्य होते हैं, व्हाट ए फूल बॉय, ही इज, वो कितना मूर्ख है, तो आपको वर्ड के साथ ए लगाना ठीक है,
वाट के साथ आपको ए लगाना है इस तरह। हाउ के साथ भी कुछ सेंटेंस में लगता है, ठीक है, इनके साथ आपको डिफिनेट का प्रयोग करना है। चलिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वर्ड शब्द, आप कुछ स्टूडेंट शब्द होते हैं जैसे फॉर ए स्विम, इस सेंटेंस देखिए, फॉर ए स्विम देखिए, इसमें स्विम का मतलब होता है तैरना, ठीक है। आई वेंट, ऐसे लिखा होगा मान लीजिए, आई वेंट फॉर ए स्विम। अब फॉर ए स्विम, फॉर ए स्विम इस फ्रेज का मतलब यह है कि तैराकी, तैराकी। अब ये शब्द जो है ये आपका नाउन बन गया, यहां पे ये वर्ब नहीं है, आई वेंट फॉर स्विम नहीं होगा, आई वेंट फॉर ए स्विम होगा, ठीक। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन जो वर्ब से नाउन में ट्रांसफर होते समय उनका के साथ आपको ए का प्रयोग। प्लीज हैव ए टॉक, हैव ए टॉक का मतलब आइए हम बात करें, ठीक, इस तरह से है। यू गो फॉर ए वॉक, हमारा कहने का मतलब है स्टूडेंट्स यहां पर अगर परीक्षा में ऐसे हटा दिया गया यू गो फॉर वॉक, ये सेंटेंस में ये अगर हटा दिया गया है तो आपको ये जरूरी है, इसके साथ ये लगाना है। यानी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ नाउन के रूप में उसको बदल देते हैं और उनके साथ ए का प्रयोग करते हैं। इससे हमने बताया स्टूडेंट ये फॉर ए स्विम है, स्विम है, फॉर ए टॉक है, फॉर ए वॉक है, और इस तरह से है, फॉर ए ड्राइव है, फॉर ए विजिट, फॉर ए विजिट, दे वेंट फॉर ए विजिट, ये लिखा है दे वेंट फॉर ए विजिट, फॉर ए विजिट का मतलब भ्रमण, यहां पर विजिट माने घूमना नहीं हो जाएगा, यहां हो जाएगा फॉर ए विजिट का मतलब हो जाएगा भ्रमण, ठीक है। तो चलिए कुछ स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स बताया और उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आर्टिकल का थोड़ा सा चैप्टर हमने बताए हैं, बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर के बच्चों को भी बता दीजिए कुछ, तो चलिए हम और इसको विस्तार से पढ़ेंगे और बच्चों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल इंटर के बच्चों को कि सर ने पढ़ाया है आर्टिकल, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेके आएंगे, चूँकि स्टूडेंट समय कम मिलता है हमको, लेकिन फिर भी कुछ सोचते हैं हर कैटेगरी के बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा हम वीडियो बना दे, सबका फायदा हो जाए, कई लेखपाली के लिए, अभी पेट आने वाला है, पेट के लिए हम बताएंगे कुछ, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की थोड़ा थोड़ा नोट्स आपको देंगे हम बताएंगे, जितना भी थोड़ा बहुत समय होता है कुछ हम खाली बैठे रहते तो चलिए बच्चों को पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे।